गरीबी हटाओ और देश बचाओ का नारा आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन ये भी सुन लीजिए कि गरीब हटाओ और देश बचाओ, शायद खाते के अंदर 15-15 लाख रुपए आने शुरू हो चुके हैं और इसी वजह से लोगों के काम धंधे बंद करवाने की तरफ दौड़ चुकी है हमारी भारत सरकार, क्योंकि अब जनता को बनना है आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? खाते में 15 लाख रुपए आ चुके हैं, क्या आपके आए क्या? ये देखिए किनके खाते के अंदर 15 लाख रुपए आ चुके हैं कि साहब अब आप अपना काम धंधा बंद कर दीजिए, हम आपकी दुकानें तोड़ रहे हैं, मौज लीजिए, आराम से घर पे बैठिए, टेंशन खत्म कीजिए। हाँ जी भाई साहब, खोखा तोड़ दिया? हाँ जी तोड़ दिया जी। कई रुपये कमा लिया करते दिन में? 400 रुपये रोज के, बड़ी मुश्किल से बनाया करते जी। 400 रुपया हम गुजारा कुकर करो भाई, 100 रुपया में गुजारा करा के इलाज है। क्या पता विधायक साहब का, मंत्री साहब का तो लाखों की तनख्वाह लेने के बाद में नहीं होता, आप 400 में कैसे कर लेते हो? वे तो मरना के बाद में भी नहीं सोचा, मैं पेंशन ले लिया, उनका मुकाबला थोड़ी हो जी, हम तो 400 रुपया में गुजारा करने लग रहे। हाँ मार दूर तो इलाज को नहीं, पतरा तपेर तपे सब दिन पतरा में तपा, टमचेर कितनी डिग्री है अपीला? सरकार कहती है गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीब ना टाण लग रही है जी, ये गरीब हटाने लग रही है सरकार, तो गरीब ना खत्म करने लग रही है। ऐसा तो नहीं है आपके खाते में 15 लाख रुपए आ गए, आप सरकार को बदनाम करने का काम कर रही है? लेने लग रही है हमारे पे तो, सरकार तो आपको दे रही है, सरकार बेरोजगार करने लग रही है। सरकार ने पीड़ा पंजा नहीं दिया कल? आप हाँ कल दिया पीड़ा पंजा, हम धन्यवाद करा सरकार का कि वो हमारे ऊपर फेर दे हुए, क्यों हमें जिंदा क्यों रख रखा है, वोटों के टाइम तो हमारे पास हाथ जोड़ना, हमारे पास अपने परिवार के हो आप, अपने गांव के अपने रिश्तेदार है, और जब कोई आफत गरीब पावे तो राजनीति गरीब पे, गरीबियों के खोखे तोड़े जाते हैं, कोई भी काम होता तो गरीबों पे होता है, गरीबियों पे क्यों होता है? आप हिसार में जाके पता करो, सरसे रोड पे जाके पता करो, वहाँ भी खोखे रखे हुए हैं। कौन सी पार्टी से हैं आप? दूसरी पार्टी से होंगे आप, सरकार को बदनाम करने का काम? मैं कोई आम आदमी हूँ, मैं कोई पार्टी से, कोई आदमी भी पार्टी है, कोई पार्टी नहीं है, आम आदमी। एक अक्षर साहब बच रहा था नहीं, या भी लेगी सरकार ना कुछ भी, सरकार की मर्जी, सरकार का हक कुछ भी ले लो गरीब आदमी पर, लेकिन सरकार को जब माना हमारे से जो VIP आदमी है उनसे ले, उनका मुकाबला करे, गरीब हम तो मरे पड़े, कभी भी मार लो, सरकार की मर्जी है। हाँ जी भाई साहब, क्या काम करते हैं भाई? मजदूरी करा। मजदूरी करे? हाँ। मजदूर को बड़ा पेट कदा करे? पेट तो भाई माल खावा ज्यादा हुआ। माल खाओ, फिर माल खाने लग गया फिर क्यों रो? किसका रो यार, ऐसा भाई है गरीब आदमी खोखे तोड़ दिए, नजायज तोड़ा है, लाले उड़े ना तो किम रोड पट देना किमी रट दे जो अच्छा 50 साल तक कब्जा भी इनका बेचारा उड़ रहा है 50 साल तक बेचारे आपका काम करके घर है ना, इन्हें कोई लेंटर की छात लगा रखी ना किमी और लगा रखी ना लगा रखे पत्रे पत्र में बैठे हैं 46 डिग्री तापमान तो में 50 साल तक एक के जमीन पे कब्जा करके बैठे हो, आने वाले टाइम में तमें ढूंढ बना लोगे? कमी कौन बना दे? क्या कौन बना दे? लोग ने अस्पताल बना लिए, आप एक आपका मकान नहीं बना सकते? अस्पताल दिहाड़ी करा, सुनो मेरी बात भाई, ये बड़े भाई ने बताई 400 रुपये दिहाड़ी करा, 400 रुपये हम आपके बड़का चून लिया के खुआओगे चुवारे बनाओगे? बताओ सबसे पहली बात यह है, पहले एक छोटी सी जगह पे कब्जा करा, फिर ओडा एक छोटा सा मकान बना दिया, फिर ओडा अस्पताल बना दिया, दूर जाओगे जाके देखो मॉडल टाउन के अंदर देखोगे ना पता चलेगा। तो वही तो डर है, वही तो डर है सरकार को, कड़िया गरीब आदमी भी अस्पताल काट दे ना, ना अस्पताल कड़ा मारे तो ये खोखे रह जाओ, ये अस्पताल से मारे तो सबसे बड़ी पैसी है। ऐसे बात सुनो, विधायक जी ने फोन करा कमिश्नर को, बोले खोखे फोड़ दे, यहीं पे आया हुआ था। सबसे बड़ी बात, वो अधिकारी आए ना, वो अधिकारी फोड़ना कौन चाहो थे? क्यों नहीं फोड़ना चाहो थे? वो गांव है, सिटी नहीं है, ये 7 रोड गांव में खड़े हो आप, और ये गांव में नुकाव है समलाती जमीन होया करती, सारा गांव समलाती जमीन पे बस रहा है। मैं उस कमिश्नर साहब से, विधायक जी से एक बात पूछना चाहूँ, अरे खोखे तो साइड में पड़े हैं, साइड में खोखे कौन से छेद हैं? फिर भी एक बहुत बड़ी बात क्या है आपके बीच में जो समझने वाली बात है भाई, बात सुन, अधिकारी नो बोले हम नहीं फोड़ना चाहते, मर पे दबाव है, हमने फोड़ना पड़ेगा, लेकिन एक बात नोट कर लो, क्या इन गरीब आदमियों के 200 परिवार कहाँ जाएंगे भाई? अरे 200 परिवार 400 रुपये 500 रुपये कमाने वाले लोग कहाँ जाएंगे? मैं आपको माता जी दिखाऊं, इधर आओ माता जी, ये माता जी का बेटा गुजर गया, घराना गुजर रहा है, इसकी बहू और इसके छोटे छोटे पोते हैं, कौन पाड़ेगा? इसका खोखा तोड़ दिया, चल देख इसका खोखा, आपने बताओ सामान तोड़ दिया, मैं उस किसने तोड़वाया है वो सामान? हजार करोड़ का मालिक है क्या? हजार करोड़ का मालिक जोगीराम सियाग ने, मेयर ने ताई का खोखा पुड़वा दिया। अरे इसका घराना गुजर गया, इसका बेटा गुजर गया, घर में कोई कमाने वाला को नहीं, छोटे छोटे पोते हैं इसके, बच्चे हैं, अभी देख इसका अंदर सामान टूटा पड़ा है, तकलीफ को नहीं होगी, दिल दुख है,
गरीब आदमी को तकलीफ हो, दिल दुख है, लोग हमने कहो राजनीति कराम। अरे ऐसी राजनीति रोज करांगे, रोज करांगे, लेकिन ये योगी राम सिंह ने जो तुड़वा दिया वो राजनीति को नहीं करेंगे। देख या उरे बैठ के बेचारी गुरु अपना घरा काम चला रही थी, अरे तोड़ दिया 1% उन्होंने कौन सोची या गरीब नहीं है। अरे इसके बच्चे, इसका लड़का एक्सपायर हो रहा है, इसका घर एक्सपायर हो रहा है, बता भाई, बता भाई कितनी बड़ी बात है। यो देख वो देखो वो खोखा, यो इसका है ताई का। ताई एक बात बता, अमीर है गे जमा लखपति है भाई, जमा जमा लखपति है, जने तो तोड़ दिया। हाँ जने तो तोड़ दिया, तोड़ दिया कि मैं मंथली मंथली दिया करोगे देन नो दे फिर आड़े बैठे पावा है डॉक्टर साहब की करिया, यो तो रोला नहीं है, कमाल होगी नो का देन ना होंदे तो उरे पावा रगी। ऐसे है दुख है एक बात का, जोगीराम सियाग जी ने चले गए भी काम अपना सामान काट लो, इतना तो बताना चाहिए था भाई अपना सामान जो है बाहर काट लो, वो तो काट सका थे हमें, वो भी सबके मैं तोड़ दिया इन कहीं देख ले पड़े पड़े। ऐसा है नए नए कमिश्नर साहब आए हैं, हुड्डा साहब आप जानते होंगे। अरे हमने कोनी बेरा केस होता आया है, हमने तो नू बेरा वो अधिकारी आए वो नू बोले तोड़ना खोचा वहाँ, मजबूरी है, दबाव है, उनने साफ साफ विधायक का नाम लिया है, जोगीराम सिंह का फोन आ रहा है, उसका किसी चेलन ने उसका खब्बी करा के तुड़वाने लग रहा है। सबसे बड़ी बात मैं आपने एक बात बताऊंगा, सिहाग साहब ने एक बात बताऊंगा, इस माई का माता 70 साल की हो रही, घरवाला गुजर गया, बेटा गुजर गया, अरे इसके छोटे छोटे पोते हैं, इसकी बहू है, उनने पाड़ा है यार, किसी की छाती आला भाई आला की छाती, फिर ये लोग नु कहा है जो राठी राजनीति कर रहे हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहूँ सिर्फ एक बात, ऐसी राजनीति सारी उम्र करांगे, जब तक जीवांगे जब तक करांगे, किसी गरीब को पर अन्याय होगा तो वहाँ हम जरूर जावांगे, जरूर जावांगे। जोगीराम सिंह जी का नारा है गरीबों का मसीहा जोगीराम सिंह, आपको ना पता हो तो आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। बुला जी इतने फ्रेंकली हैं, सबके साथ में बातचीत करते हैं, कर्मठ है, नहीं वो भी देख लेंगे, बिल्कुल सामने ही है, ये देख लो आप। लेकिन हाँ जी ऐसे है जैसे यहाँ 50 साल से बैठे हैं और उसके बाद हम मतलब पंचायत में किराया दिया करते, पंचायत के टाइम हम निगम में आगे 11, उसके बाद क्या कर रखा है इन्होंने भाई, निगम वाले ने रेडी के लाइसेंस बना दिए। अगर हम गलत हैं सर, हम रेडी के लाइसेंस क्यों बनाए, अगर रेडी के लाइसेंस बना दिए तो फिर लोन क्यों दिया। अब वो 20-30 हज़ार रुपये जो लोन ले रखे वो कहाँ से भरेंगे गरीब आदमी। अब गांव के एक दो चमचे हैं जो जोगीराम के, जिन्होंने शिकायत करी और उस वजह से जोगीराम ने फ़ोन करा, यहाँ पे आया हुआ था गांव में विजिट करने, उसी टाइम से मतलब ये रोज का काम हो रहा है जी, 4 महीने हो गए ना तो कोई काम कर पा रहा ना, और नहीं काम क्यों नहीं कर पा रहे, वो तो खूब काम कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं होगा 5 लाख रुपए कृष्ण खरड़ को दिए, कृष्ण खरड़ एक्सपायर हो गया था किसान आंदोलन के अंदर, 5 लाख रुपया चेक काट के सेकंड नाम दे दिया, बिल्कुल दिया सर। 7 करोड़ में 3 साल हो गए आज जोगीराम, एक ये चीज बता दे 1 रुपया गाँव में इस काम का दिया है, हमने वोट दे रखे, हमने गलती कर रखी उस आदमी को जो आज 2 आदमियों के कहने से पूरे गाँव को चलाना चाहता है वो आदमी, वो मतलब MLA के लायक नहीं है वो आदमी, क्योंकि जिसने ये नहीं है कि भाई ये गरीब आदमी का रोजगार उड़े, सरकार रोजगार मतलब देने के लिए हुआ है कि मतलब रोजगार को हटाने के लिए हुआ है। आप MLA की बात करते हैं, वो चाहते हैं आने वाले वक्त के अंदर CM बन के आप लोगों का उद्धार करें, बिल्कुल करेंगे जी, अभी मौका मिलने दो, अगला इलेक्शन में हमें देवांगे उसने। ताई भी रखेगा वह, इस ताई की आत्मा इतनी दुख है, ज्ञान होगा प्रधानमंत्री बनेगा, जोगीराम प्रधानमंत्री बनेगा, नू नहीं बेरा हमने नू लगा है यूक्रेन का बनेगा। आगे बात समझ, अरे इसने तबाही मचा दी, उरे 5 मिनट लगी, अरे ये अधिकारी कहने वाले हैं भी विधायक जी का प्रेशर है, आप उसके पास जाओ हम टाल कर देंगे। साहब आप बहुत ज्यादा बोलते हो, ऐसा ना वो पीला पंजा आपके मकान के ऊपर भी चल जाए, चला दो मारे को दिक्कत को नहीं, मार पर चला दो, ये देखने के चेहरे दिखा दे, आज ये सारे आदमी परेशान हो रहे, दिखा दे एक आदमी के चेहरे, इन लोगों का रोजगार खोस लिया 200 आदमियों का, उसकी कोठी में रखेंगे कि उसने कोई बिल्डिंग थोड़ी बना रखी है, पहले तो मेरा सेट बना रखा था वो तोड़ दिया, चाय बेचते थे प्रधानमंत्री बन लगे, प्रधानमंत्री बना दिया चाय को रहने दें, जो तोड़ दिया देख लो प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी चीज है, मन तो गांव को रहने दें, पढ़ दो भाई डर लगता है, अच्छा किस चीज का डर लगा, अरे बनागे जब देख लेंगे, चाड़ा रहने दो रहे, देख लो पट्टा गड़ा
मनाड़ के तोड़ा गया भाई साहब, यो कदे प्रधानमंत्री बन जे। सुनो मेरे, कल 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 बात हुई मेरी उससे साहब से, माजी साहब जी दो दिन का टाइम दे दो, टाइम दिया तो उन्होंने वहां से जेसीपी लाके सबसे पहला स्पेशल जेसीपी से आई। एक यो एक यो खोखा दे दो, भाई साहब मैं खाली कर दूंगा। आपने पहले एक साइड की कहा, मैंने साइड खाली कर दिया। एक बात बताओ, ये सारा काम हुआ आपके पार्षद साहब कहां पे थे? पार्षद साहब तो कोनी पावा जी, कोनी पावा जी। पार्षद तेल लेने जा रहा था भाई, यार लेने जा रहा तेल लेने कड़ा पकौड़े बनाने खातिर, आड़े पकौड़े बनाने थे, तेल लेने गए थे। हाँ भाई, आड़े का सीधी बात यह है, चुतरा में लाठी देनी है इन्हें, चुकरे दे दो, गरीब आदमी ने कमा के कोनी खान दें दे। आड़े तो यार बूढ़े आदमी, ठेरे आदमी टाइम पास करा करते, कितने आदमी आ गया। चा मठी भी नहीं छोड़ी, चा मठिया के ऊपर तो भी बुलडोजर फेर दिया कि मैं बाकी रह रहा है। देख भाई बात सुन ले, फिर मैं एक बात बताना चाहूंगा, यो गांव है गांव, सिटी नहीं है यार, यो गांव है सात रोड। लाल तो सिटी बना रखी है नगर निगम का अंडर मावा नहीं बेरा तो तड़का सारा हरियाणा नगर निगम में ले लेंगे ये, पर यो गांव है, मैं अपने बताऊं सात रोड गांव है। और फिर मैं अपने बताऊं, इतना ही हमारा विधायक ने और मेयर साहब ने और कमिश्नर साहब ने शोक है ना, अवैध बिल्डिंग अवैध निर्माण तोरण का, तो मॉडल टाउन में चला जा, सारा बिल्डिंग अवैध है, हॉस्पिटल होटल बन रहे हैं फोर्ड की दिखावे, मेयर साहब ने खुद का शोरूम अवैध है भाई साहब, पीछे जब बनाया हमने शिकायत करी थी वो अवैध है, उसने तोड़ा है। मैं कितने अपने अवैध बिल्डिंग दिखाऊं, मैं तो विधायक का बारना का इतना बड़ा जनरेटर लगा रखा है, ऐसे घुमा फिरा के गंदी गंदी बातें करते हो आप, किसी गरीब का है तो बताओ दो मिनट में तुड़वा देंगे। ऐसे है या सरकार गरीब आदमी ने से है, अमीर आदमी का तो लोहा भी कौन लाग है? कोई गरीब की झोपड़ पट्टी गिरानी है, किसी का कोई मकान गिराना है, किसी की कोई चा का खोखा गिराना है, ताई ये बता दे पांच मिनट में जे बुलडोजर नहीं फिर जे तो मेरा नाम बदल दियो। वह तो कमा हाँ, गरीब की तो करवाए सके जे धान पटे की करवावे। इब एक चीज बाकी रह गई, एक मिनट, एक चीज बाकी रह गई, खोखे तो गिरा दिए इब विधायक जी ने, और इन्हें सब कहा जो ये बच के नहीं आदमी बच गए, इनके ऊपर और बुलडोजर फेर दो जी, सारा काम बना इनके ऊपर फेर दो सारे काम। बार कैमरा आगे ना आवे, नया कानून आ जाए, अबले 3 इंच तक पेट जिसका बह रहा है नहीं काट के तेरे वो बात कौन किमी कौन तारने दे, कौन तार दे को, अगर ये भाई जिंदे रहो नहीं सारे भाइयों का तो सही होता नहीं, मारा पेट पे संग तार दो कोई आठ को नहीं, हमें भाइयों का गला तैयार सा। कमिश्नर वो कह रहा था कि भाई पहले इनका जैन का जुगाड़ बनाओ और फिर ये खोखे तोड़ो, बोले इन्हें बैंगनती करा को नहीं, पहले खोखे तोड़ दिए। भट्टी साहब आखिरी सवाल, गरीब को ही क्यों, अमीर को क्यों नहीं छेड़ा जाता? मेरा ये तो सवाल उन भगता तो है जो अन की अंध भक्ति करने लाग रहे हैं, हमारा बरगान गाल देवे कि राठी और राजनीति करे, अरे थम भी कर लियो, आज सारा काम उरकड़ा है, आज ये 200 कोखे तोड़ दिए, ये उजाड़ दिए, थम कर लियो राजनीति, आड़ा आगे नाटा है कौन है, मैं तो जोगीराम से आगना आमंत्रित करूँ राजनीति कर, मैं तो बीजेपी वाला मेयर ने आमंत्रित करूँ, गुप्ता जी ने आमंत्रित करूँ, राजनीति करो आड़ा आगे, आड़ा इन लोगों के खोखे बचाओ राजनीति करके, इनकी रोजी रोटी बचाओ, इनका पेट बचाओ, इस माता जी को बचाओ, अगर कोई बचा सके तो इसके छोटे छोटे पोते कहां पढ़ेंगे भाई, अरे सरकारी स्कूल में भी कोनी पढ़ सके, बेचारी 200-300 रुपए कमा के बाल कहां पेट भरे, इन्हें नु पूछ लो कड़िया खत्म, 15 लाख तो नहीं दे दिए, अनके दे दिए लठ खत्म है। मैं बताऊं खट्टर साहब ने सरकार ने फिर भी अवैध बिल्डिंग तोड़ने का शौक है, मैं कहना चाहूंगा अपने मंत्री जी को कमल गुप्ता जी को, मेरे पास लिस्ट ले जाओ, मैं अवैध बिल्डिंगों की लिस्ट दे दूंगा अपने शहर में, इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास है, जिसमें मेयर की ओ शोरूम का नाम भी है, उन्हें तोड़ लो भाई, उन्हें तोड़ लो। अगर भाई साहब अमीर आदमी का तो सारा का कौन टपा सिफारिश आ जाए पाँच मिनट में, सारा लठे गरीब आदमी बच जाए, सारा लठे आम आदमी बच जाए, भाई साहब 1% लोग ऐश कर रहे हैं, 99% लोग खराब माटी हो रही है भाई साहब, सोशल मीडिया रोक दी, यो आप जो चैनल हमने दिखाने लाग रहे हो ना, नू कहा थम दिखाओ क्यों हो, तारा भी लटने की गेल पड़ लिए तो हमने बसन लाग रहे हैं, लेकिन नू कौन बेरा, अरे यो सोशल मीडिया आम आदमी की आवाज है, सारे हरियाणा प्रदेश तक अपील करूं मैं, इस सोशल मीडिया खातर जान लगा दो, तारी लाइफ लाइन है या सोशल मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया आज तक
और बड़े बड़े जी चैनल चंद्रा साहब वाले तो हमने कौन दिखावे न तर दोरावे और सरकार ने भी चेतावनी दी हूँ मैं छोटा नहीं गे आज तक अले आए के ताऊ बड़ी बड़ी वैन लेके अपना बरना बड़ी छतरी लेके मार तुम हाँ भाई कोई भाई अगर गरीब आदमी की दो मिनट में नट जाएगा नट जाए क्या तो कोई आया कौन तो कुकर का देता हम आए तो नुके अगर बले इनका कितना है भला कर ले इनका आया तारा नाम मार्जी से फांसी तोड़ दे तारा नाम ले आवेंगे हां भैया आए थे उसमें कोई बड़े आदमियां ना लसंस मिल रहा है गरीब आदमी पर राजनीतिकरण का सिर्फ दो आदमी सिया साहब से मैं आज बात करना चाहूंगा मतलब दो आदमी उन एप्लीकेशन दो आदमी है ना सारा गांव के ठेकेदार वे है सारा गांव की राजनीति वे चाह गए सिया साहब विधायक साहब उनका कहना पे चल रहे हैं हम विधायक साहब ने वोट कौन दिए देखे हमने दो जने ने विधायक जी जिताए देखे और सारे उनके उनका गिल लेके उन्हें तो सारे लेंगे सरकार मुर्दाबाद बीजेपी जेजेपी सरकार मुर्दाबाद ऐसा है मुर्दाबाद ऐसा है। अब अच्छे दिन आने में कोई कसर रही हो तो बता दो। हाँ जी भाई साहब अच्छे दिन आने में कोई कसर ना के कसर है रही जी देखो गरीबा का क्या हाल हो रहा है। आए नहीं आए बहुत अच्छा आया जी आए नहीं आए आपका सामने है जो भी है अच्छा ही है ये अच्छे है ये सोचा था यो चौतरा नू फूटेगा राव ऊपर खड़े होके भाषण दोगे यार जनता आप लग देखेगी। हाँ विधायक साहब आपको फोन के अंदर से देख रहे होंगे कभी सोचा था ऐसा सोच रहा क्या यो कर दिया हमारा काम इसका अच्छे दिन है इसके बता अच्छे दिन और के कसर रहेगी सिलेंडर बुड्ढा होगा देख ले आपका क्या मानना है क्या यहाँ पे गरीबों के ऊपर भी पॉलिटिक्स की जा रही है ये बहुत सारे सवालात जो हैं ये खड़े हो जाते हैं और गरीब आदमी के ऊपर एक बार फिर पंजा जो है वो चल पड़ा है लेकिन अमीर जो है वो आराम से इसी के अंदर बैठ कर अपनी ऐश कूट रहे हैं। आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब और देखते रहे HR20 न्यूज इंडिया आपकी आवाज। धन्यवाद। जय जय भारत। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेल ट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेल ट्रेंडिंग.com पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो।